मिडिल ईस्ट में बॉलीवुड के फिल्मी सितारे। पेश है मिडिल ईस्ट का मशहूर डैन्यूब ग्रुप लेकर आया है फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट 2019 की शाम, जहां पर फिल्मी सितारों ने अपना रंग जमाया। राजकुमार राव कैसे लचका रहे हैं नोरा फतेह के साथ कमरिया। जैकलिन फर्नांडिस कह रही हैं टन टनाटन टन टन तारा। नोरा फतेही ने अपने हिट नंबर्स पर शाम को बनाया रंगीन। धड़क के जानवी और ईशान ने ओमान वासियों के साथ किया झिंगाट। तब उन्हें स्टेज पर अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीता। सोनम कपूर ने लॉन्च किया ओमान में फिल्मफेयर मिडिल ईस्ट का कवर। इन सब के साथ ग्लैमर की दुनिया की हस्तियों ने ओमान में फिल्मफेयर मिडिल ईस्ट के लॉन्च के दौरान रेड कार्पेट पर मचाया हंगामा। इन सब सितारों के बीच में जैकी श्रॉफ ने अपने वीडियो अंदाज से ओमान वासियों का दिल जीता। ओमान हाँ बाबा, ज्यादा बदतमीजी नहीं बोल नहीं सकता हूँ। ओमान के सारे वासियों को मेरा बहुत बहुत प्यार। आप बहुत अच्छा बात करते हैं। उषा उतुप ने अपने कानों से शाम को बना दिया सुरमई। और एवरग्रीन बप्पी दा ने भी दी एक खास परफॉर्मेंस। पेश है फिल्मफेयर मिडिल ईस्ट की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के सारे नज़ारे, जो हो रहे हैं ओमान की राजधानी मस्कट में, जहां पर लगा हुआ है इन फिल्मी सितारों का मेला। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कदम है। इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और हम सब खुश हैं यहां आए हैं। और इनकी तो हॉस्पिटैलिटी का तो कुछ कहना मतलब लफ्ज ही नहीं है मेरे पास। बट इट्स ग्रेट टू बी हियर इन मस्कट। और इनकी जो कंपनी है डैन्यूब कंपनी, वो तो सारी दुनिया जानती है। और इनसे ही पूछे अभी ये क्या जलवे दिखाने वाले हैं आज। सम्मानित किया जा रहा है आपको। मैं इनको बोलता हूँ, ये आपको मेरी फ्रेंड है अभी, बट इनके पहले से मैं बड़ी बड़ा फैन हूँ। Filmfare came to me and I knew that this is a good platform for Danube to become make the Danube brand popular, make ourselves closer to the film industry. And Filmfare is the biggest identity today in Mumbai, in India. So when this came, this opportunity came to us, we took it both the hands and we are very happy about it. I'm very happy because they have to fly down all the way 2-3 days, so I'm happy with the setup. But I'm sure as we grow further, because this is only our second year, as we grow further we will have much bigger stars coming into this, because they will also realize the value of this brand. Thank you so very much. This is something which I'm sure everybody is going to like it, and that's what exactly the feeling which all are going to get it, because it's sort of an atmosphere created in between the mountains. Amazing job. I would thank my team which has given all the way out to make this happen. Excitement aisa hai ki ticket 1600 hai aur as of now sold out 2000 hai. Mujhe pata nahi kis tarah se manage karne wale hai ye. Aapne dekha hoga raste mein traffic jam tha pura. So Allah khair kare ki somehow we don't have any commotion over here. मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा रिजवान भाई को कि उन्होंने एक इस तरह का बहुत बड़ा मिडिल ईस्ट में फर्स्ट एनिवर्सरी फिल्म फेयर का रखा है। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट के जिस तरह के ही इज़ अ वेरी पैशनेट पर्सन,
और जिस तरह से इनको फिल्म का भी ज्ञान है, मुंबई करे हमारे, और बहुत अच्छा लगा जब इनसे मिलके, इतने सालों से हमारी दोस्ती है, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट ही बिलीव्स इन समथिंग विच ही वांट्स टू डू इट। और मेरे ख्याल से फिल्म फेयर को गल्फ में ला के, मिडिल ईस्ट में ला के बहुत बड़ा, और जिस तरह से एक बहुत बड़ा आज ये इवेंट हुआ है यहाँ पे, बहुत ही जाने माने इंडस्ट्री से लोग आए हैं मुंबई से, आई थिंक इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर अस एंड विशिंग ऑल द बेस्ट। I'm very excited to be here again though, because I wasn't able to see it properly last time, but today I feel like I'm in such a beautiful area of Oman, this hotel and like this, I mean this situation, I mean it's, this location is really beautiful. Arab films, Egyptian films, I've seen a few that are really, really good. We have some great directors in this part of the world as well, Majid Majidi. So I mean, yeah, if I was ever to be able to work with them, I would love to. रिजवान साहब जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ावा दे रहे हैं और फिल्म फेयर को भी आगे बढ़ावा दे रहे हैं, तो और उनकी हॉस्पिटलिटी के लिए थैंक यू वेरी मच। आज भी अगर हम देखते हैं आशा जी की पिक्चर तो हमको अभी भी गूज़बम्प्स आते हैं, तो हम ऑनर है कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे आज इस महफिल में आई है एंड शी इज गोइंग टू टेक एन अवार्ड फ्रॉम अस। आशा जी क्या बातचीत करना बहुत पसंद है, तो जो भी मिलता है मैं उनसे बात करने लगती हूँ, और यहाँ के लोग ही इतने प्यारे हैं कि अपने आप को रोक नहीं पाए। बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड बहुत ही आई थिंक प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं यहाँ हूँ। It's such a beautiful, beautiful place. Oman is a lovely, lovely, lovely place to be. More importantly, Muscat. I haven't been out of Muscat yet, but it's so far in the 2 days that I've been here been stunning. And I can't wait to see how the proceedings will unfold. Filmfare in India for me was a very, very special function. So मेरी यही उम्मीद है कि यहाँ पर भी उसी तरह का celebration होगा और उसी तरह का event होगा। It's a feeling of pride, it's a feeling of responsibility कि हम हिंदुस्तानी सिनेमा दुनिया भर में मशहूर कर रहे हैं, और उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है, और मुझे लगता है कि सिनेमा स्पेशली नाउ इज़ अ मीडियम दैट इज़ कम्प्लीटली यू नो ट्रांसेंडिंग बॉर्डर्स एंड इट्स यूनाइटिंग अस, एंड आई रियली थिंक दैट आई जेन्युइनली बिलीव दैट सिनेमा इज़ अ पावर टू यूनाइट अ पीपल, एंड आई एम सो ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, आई एम सो ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ द लार्जर पिक्चर। मैं एक्चुअल में 2 महीना पहले ओमान आई थी, इंडिया वर्सेज ओमान एक सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच था, और बहुत इन्जॉय किया था, बहुत ब्यूटिफुल कंट्री है ओमान। सिर्फ 1.5 दिन के लिए आई थी मैं, इस बार मैं इसलिए प्लान करके 3 दिन के लिए आई हूँ ताकि मैं और थोड़ा मस्कत देख सकूँ। आई थिंक कल हम लोग जबल अख्तर जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये जगह, बहुत अच्छी अच्छी सिटी है, लोग बहुत अच्छे हैं, रोड इतने अच्छे हैं, सब कुछ क्या बोलूँ, कुछ कोई भी खामी नहीं है इस सिटी में, तो आई लव दिस सिटी। आज के ज़माने के सितारे जैसे जहानिया और ईशान के साथ हैं राजकुमार राव, नोरा फतेही, जैकलिन फर्नांडिस, सोनम कपूर, तो वहीं पर गुजरे जमाने से हैं पद्मिनी कोलापुरे और आशा पारिक, इंटरनेट की दुनिया से हैं मिथिला पारकर, इस शो को होस्ट कर रहे हैं मशहूर टेलीविजन अभिनेता अमन वर्मा, जिनके साथ हैं कुबरा सैद, जिनकी वेब सीरीज काफी हिट हो रही है। कुबरा अमन ने फिल्मफेयर मिडिल ईस्ट को होस्ट किया और ओमान वासियों को एक एक करके मनोरंजन का चित्रहार दिखाया, तो चलिए हम भी इनके साथ फिल्मफेयर अवार्ड मिडिल ईस्ट के मनोरंजन के चित्रहार को देखते हैं। फिल्मफेयर मिडिल ईस्ट का नजारा नंबर 1, राजकुमार राव का धमाकेदार परफॉर्मेंस। भाई 2018 था राजकुमार राव का साल, उनकी फिल्में सबने बहुत पसंद की, फिर चाहे वो स्त्री हो या फिर हम बरेली की बर्फी। राजकुमार राव थे शाम का मेन अट्रैक्शन, और खास बात थी कि राजकुमार राव ने बरेली की बर्फी का अपना मशहूर डायलॉग भी पेश किया। तुम सुनोगे?
आज थोड़ा ज़रा टाइम पे फोन किया ना तो ऐसी लात मार के कूलर में टेंपल निकाल देंगे तुम्हारे। I think it's overwhelming. I feel very blessed कि ये सब हो रहा है कि अच्छी फिल्में करने का मौका मिल रहा है, अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और यही करने आए थे यू नो इंडस्ट्री में बॉम्बे में कि अच्छा काम करें अच्छे लोगों के साथ ना। आई थिंक प्लेटफॉर्म था बट यह है कि राइटिंग को अभी हम बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं विच इज़ आई थिंक सच अ ग्रेट चेंज बिकॉज राइटिंग के से बड़ा कुछ नहीं है। आई बिलीव कि स्टोरी जब तक अच्छी नहीं है, आपकी कहानी अच्छी नहीं है, स्क्रिप्ट भी अच्छा नहीं है, इज़ नथिंग यू नो अबाउट दैट। So I'm very happy that writers are getting the due respect and cinema is going through a welcome change and we're making some beautiful films now. मैं आज दोपहर को ही पहुंच पाया पर मैंने जितना रास्ते में देखा और यहां पर जितना आने के बाद मैंने देखा, it's just so pretty, so beautiful. रेड और ब्लैक सूट में राजकुमारों ने ओमान वासियों के दिल तो जीते ही साथ साथ सभी आए हुए मेहमान पे चाहे वो सोनम कपूर हो, नोरा फतेही हो या फिर हो ढेर सारे बॉलीवुड कलाकार, सभी ने राजकुमार को दी बधाइयां और उन्हें मिला एक खास अवार्ड भी अपने सिनेमा में कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। फिल्मफेयर मिडिल ईस्ट का नजारा नंबर दो है नोरा फतेही का जबरदस्त डांस। नोरा खुद एक अरेबिक लड़की है जो मोरक्को की रहने वाली है और जब मस्कट में उन्होंने फिल्मफेयर मिडिल ईस्ट में अपने हिट गानों पर बस शानदार परफॉर्मेंस दी, फिर चाहे वो दिलबर हो या फिर हो कमरिया। क्या बात है, वैसे रेड कार्पेट पर नोरा की ड्रेस देखने लायक थी। इस पिंक ड्रेस में नोरा यहाँ पर सबका दिल जीत रही है। दिलबर, कमरिया, ना बेबी मरवा की मानेगी, ये सारे मेरे गाने हैं। भाई सही में भारत की ना होते हुए भी नोरा बिल्कुल भारत के रंग में रंग गई है और आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नोरा ने अपने इसी बॉलीवुड प्रेम को दिखाया। फिल्मफेयर मिडिल ईस्ट का नजारा नंबर तीन है जानवी कपूर और ईशान खट्टर। भाई पिछले साल सबने फिल्म धड़क बहुत पसंद की और श्रीदेवी की बिटिया रानी जानवी को खासी वाहवाही मिली। ईशान और जानवी की जोड़ी फिल्मफेयर मिडिल ईस्ट का अट्रैक्शन थी और दोनों ने स्टेज पर अपना ये झिंगाट परफॉर्मेंस भी दिया। वैसे जानवी जहाँ ग्रीन ड्रेस पहनकर बिल्कुल ऑलिव की परी लग रही थी, वहीं पर सूटेड बूटेड थे ईशान खट्टर। समंदर में डुबकी मारा मैंने और मथुरा बाजार गई थी, मथुरा सूख गई थी, वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदे, बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ के लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं तो हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मथुरा सूख में ही हम गए थे, वो एक्चुअली एक शायद 800 साल पुराना कुछ हेड गियर था, एंटीक पीस था, तो वो देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गई और हिस्ट्री में मुझे वैसे ही बहुत दिलचस्पी है तो हाँ। ये ग्रीन मेरा लकी कलर है इसलिए मैंने आज ग्रीन पहना है, अच्छा लगता है मुझे। मैं बहुत आभारी हूँ सब लोगों के प्यार के लिए और आप सब लोगों ने मुझे खुलेआम मतलब स्वागत किया है मेरा और इतना प्यार दिया है तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। द एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग विद अ पीपल फ्रॉम अ न्यू कंट्री एंड या आई गेस यू नो द एक्सपीरियंस शेयर्ड विद योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस यू नो देयर सो मेनी वंडरफुल एक्टर्स हियर, राज भाई इज हियर, जानवी इज हियर, आई थिंक तब्बू मैम इज हियर होम आई हैवंट मेट येट, but I think just the experience of camaraderie and sharing this new experience together, I think this film families ka nazara number 3 hai Jacqueline Fernandez ka jadoo।
भाई जैकलीन भी भारत की रहने वाली नहीं है, लेकिन केके कैसे भारत की चुनिंदा अभिनेत्री बन गई है। भाई पिंक पिंक ड्रेस में जैकलीन की ड्रेस ने सबका ध्यान खींचा। और जब वो स्टेज पर गई तो उन्हें खास सम्मान से भी नवाजा गया, लेकिन शाम का इवनिंग अट्रैक्शन था जैकलीन का ये टन टनाटन तारा डांस। So yeah, I'm very excited for that too. Awards are for people who are most deserving, and whenever there's an award been given out, we should be most happy for the people who are getting awards. But I did not design it myself, but this was it's a designer from Kuwait. So and even today I had someone from a makeup artist from Saudi. So it was just like it was amazing to see the talent that is here as well in the Middle East. भाई वाह जैकलीन, ओमान में तो आप छा गई। फिल्मफेयर मिडल ईस्ट का अगला नजारा है सोनम कपूर की ये वाइट ड्रेस। भाई सोनम कपूर अपनी स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं और यहाँ पर उनके खास रोल्स के लिए डैन्यूब ग्रुप और फिल्मफेयर मिडल ईस्ट ने सम्मानित किया। I think it's very important that you make choices that a lot of people are not being able to make, and I think the women in our industry are making that choice, so I don't want to take any credit for that at all. अपनी व्हाइट ड्रेस को संभालते हुए सोनम ने अपना ग्रेस बरकरार रखा और उन सभी लेडीज को सम्मान किया जो उन्हें हट के रोल करने के लिए इंस्पायर करती हैं। फिल्म मिडल ईस्ट का अगला नजारा है जैकी श्रॉफ का मस्त मौला अंदाज। तो वहाँ पे पैसे होते नहीं थे कपड़े पहनने के लिए, तो जो हाथ में आता था वो पहन देता था, तो सब लोग बोले कि स्टाइल है। कुत्ते लोग भूखते थे, मैं जब निकलता था तो कुत्ते लोग के भूखने से समझ में आ जाता था कपड़ा अच्छा है, क्योंकि कपड़ा अलग लगा, कोई अलग लगेगा कोई भोगेगा ना कोई भोगेगा। Anyway, I think you're very kind to say all these things and call me here for the award. I think it's fantastic. जिस तरह से आप लोगों ने ये सेटअप किया, भले ही 90s के हीरो हो लेकिन अभी भी उनका स्वैगर देखने लायक है। मुबारकबाद देना चाहूँगा फिल्म फेयर गल्फ को और ओमान के सभी वासी को और ओमान के जो रूलर हैं उनको मेरा आदाब सलाम। इतना बड़ा इवेंट रखना, एक फिल्म फेयर आइकॉनिक इवेंट है, उसको यहाँ पर होस्ट करना और इतनी खूबसूरती से करना बहुत बड़ी बात है। जो कपड़ा अपने अपने जिस्म पर सही लगे, कंफर्टेबल लगे और पहन कर निकल सके, वही स्टाइल है ब्लू। चाहे वो धोती हो, लुंगी हो, सूट हो, कुछ भी हो भाई, you should be comfortable to walk. Anyway, enjoy yourself. Actually, मैं फिल्म फेयर है तो मुझे ऐसा लगा सब ब्लैक पहन के आएंगे, तो मैं कुछ अलग पहन के आऊँ ताकि स्टैंड आउट करूँ, तो वही रीजन था बिल्कुल। लेकिन मुझे एक्टिंग नहीं करना है, मुझे प्रोडक्शन में आना है। मैं बहुत जीन्स और टी शर्ट पहन के घूमने वाली लड़की में से ये सब जमता नहीं है मुझे। ड्रेसेस, हाई हील्स, मेकअप, हेयर, वेरी डिफिकल्ट जॉब। फिल्म फेयर मिडल ईस्ट का अगला नजारा है तब्बू का। भाई पिछले दो दशक से तब्बू सबका मनोरंजन कर रही हैं और उन्हें उनके सिनेमा के इस कंट्रीब्यूशन के लिए फिल्म फेयर मिडल ईस्ट और डैन्यूब ग्रुप ने सम्मानित किया। वैसे स्टेज पर ही तब्बू का मिलन हुआ उनके मशहूर डायरेक्टर मधुर भंडारकर के साथ, जिन्होंने तब्बू के साथ बनाई थी चांदनी बार। तब्बू के लिए ये थोड़ा भावुक मोमेंट था जो उन्होंने हमारे साथ बांटा। बाहर है, अलग माहौल में है और सिनेमा का और आपके काम का कितना पावर है और वो कहाँ तक पहुँची है, यू नो द रीच दैट योर वर्क हैज, बहुत ही मैजिकल लगता है मुझे तो, कि मीलों हज़ारों मील दूर लोग आपको जानते हैं और आपके काम से कनेक्ट कर पाते हैं। ये तो कोई काम नहीं करता है और क्रेडिबल हो अवार्ड तो उसका मतलब है, क्रेडिबिलिटी चले जाती है तो मिले या ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है। भारत में कैमियो कर रही हूँ और मेरे लिए सलमान के साथ काम करना हमेशा एक सेलिब्रेशन के जैसा होता है। मेरे सबसे पुराने रिश्तों में से है वो। वैसे इस फिल्मी सितारों के बीच हमारी नजर गई मिथिला पारकर पर, भाई जिनकी वेब सीरीज काफी हिट है और सीरियल्स और फिल्मों में तो ये दिखी चुकी हैं। मिथिला की ये ड्रेस काफी शानदार है और वो पहली बार मस्कट ओमान आई है और अपना एक्साइटमेंट वो रोक नहीं पा रही है।
एक्चुअली एक्साइटेड हूँ. एक तो मैं, मेरा फर्स्ट टाइम है मस्कट में, तो मैं बस लाइक आई एम जस्ट एक्साइटेड अबाउट दैट एंड आई एक्चुअली डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज एंड दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. वैसे फिल्म फेयर मिडल ईस्ट के इस रेडकार्पेट पर हमें नजर आई रिमी सैन एक लंबे समय के बाद. भाई धूम और गोलमाल जैसी करने वाली रिमी काफी दिनों से गायब थी और ये हमें मिली मस्कट में, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि आजकल इन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया है. बिल्कुल, लेकिन मुझे एक्टिंग नहीं करना है, मुझे प्रोडक्शन में आना है. मैं बहुत जीन्स और टी शर्ट पहन के घूमने वाली लड़की में से ये सब जमता नहीं है मुझे. ड्रेसेस, हाई हील्स, मेकअप, हेयर, वेरी डिफिकल्ट जॉब. मैं फिल्म फेयर है तो मुझे ऐसा लगा सब ब्लैक पहन के आएंगे तो मैं कुछ अलग पहन के आऊँ ताकि स्टैंड आउट करूँ, तो वही रीजन था. इसके बाद मौका था बॉलीवुड के जाने पहचाने लोगों को सम्मानित करने का, फिर चाहे वो मधुर भंडारकर हो, जेम्स अब और रजा मुराद हो, या फिर हो आशा पारेख और पद्मिनी कोल्हापुरे. कि हमें इस बात की खुशी होती कि हमारा सिनेमा जो हिंदी सिनेमा है पूरे वर्ल्ड में लोग देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, चाहे उसके गाने हो, चाहे उसके कॉस्ट्यूम हो, चाहे सोशल कॉज का सिनेमा हो, लोग हमेशा देखते हैं. मैं भी इतने लोगों से मिलता हूँ, मेरी हर पिक्चर कोई ना कोई देखी, जिन्होंने देखी, सब पिक्चर भी नहीं देखी, दो पिक्चर तो देखी होती है. तो बहुत अच्छा लगता है कि इतने लोग कनेक्ट करते हैं फिल्मों को लेकर. बॉलीवुड के लेजेंड्स को भी फिल्मफेयर मिडल ईस्ट और डैन्यूब ग्रुप ने इस खास मंच पर सम्मानित किया. भाई भारत का सिनेमा कोने कोने तक पहुंचता है और मिडल ईस्ट में तो भारतीय फिल्मों की तूती बोलती है. ऐसे में मस्कट में ओमान वासियों के बीच में बॉलीवुड का ये परचम बहुत जोर से लहराया और सभी ऑडियंस ने इन परफॉर्मेंसेस का मजा उठाया. शाम का इवनिंग अट्रैक्शन था उषा उत्तुप की ये परफॉर्मेंस, जिन्होंने अपने सुरों के जादू से सबको मनमोहित कर दिया. और आखिर में पप्पी लहरी ने किया शाम का ग्रैंड फिनाले. तूने मारी एंट्री यारे दिल में बजी घंटी यारे टन 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 ओ सोना तुम्हार मुंटा दिए जाओ तारा ताड़ी ऐसे जाओ ओ सोना. वैसे कुबरा और अमन के साथ यहाँ पर कुछ और आरजेस ने भी दर्शकों को अपने मनोरंजक चुटकुलों से बांधे रखा. यानी कुल मिलाकर फिल्म फेयर मिडल ईस्ट की शाम रही बेहद अपनिंग, जिसे लेकर आए डैन्यूब ग्रुप के रिजवान सजन और उनकी पूरी टीम. तो देखा आपने बॉलीवुड कितना इंटरनेशनल हो गया, जहाँ भी जाओ सब बॉलीवुड के दीवाने हैं. और मस्कट ओमान में फिल्म फैमिलीज के स्पेशल इवेंट में हमें यही देखने को मिला. आज तक ब्यूरो.